बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। खजुराहो से पूर्व विधायक मीरा यादव प्रत्याशी होंगी। मनोज यादव को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पहले मनोज यादव को यहां पर आपको बता दें कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन अब अचानक से कैंडिडेट बदल दिया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यहां पर गठबंधन हुआ है। एक जो सीट है खजुराहो की वो समाजवादी पार्टी को दी गई है कांग्रेस की तरफ से। उनके सामने वीडी शर्मा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में, और अब उनका मुकाबला मीरा यादव से होगा। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अचानक से बदलाव क्यों किया गया है? अब मीरा यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल, पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के लिए मिली सीट पर डॉक्टर मनोज यादव को अपना कैंडिडेट बताया था, लेकिन चुनाव के ठीक पहले दोबारा रिशफल किया है और मीरा यादव को टिकट दिया है। पार्टी के सर्वे के मुताबिक विनेबिलिटी मनोज यादव के मुकाबले मीरा यादव की थी, लिहाजा पार्टी ने मीरा यादव को टिकट दिया है। और मीरा यादव के हस्बैंड, मीरा यादव के पति के बड़े नजदीकी संबंध हैं अखिलेश यादव से, बड़े गहरे रिश्ते हैं उनके, लिहाजा ये माना जा रहा है कि रिश्तों के आधार पर उनको टिकट दिया गया। हालांकि दावेदारी लगातार दीप नारायण यादव भी कर रहे थे, अपनी पत्नी के लिए मीरा यादव के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिया था। शायद इनकी नाराजगी जानकर समाजवादी पार्टी ने रिप्लेस किया है और अब डॉक्टर मीरा दीप नारायण यादव अब खजुराहो से वीडी शर्मा के सामने समाजवादी पार्टी के टिकट पर होंगी। और 2008 में मीरा दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं। निवाड़ी विधानसभा सीट से वो प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और लगातार उसके बाद के 2013 का चुनाव में भी उनको पार्टी ने टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, और 2018 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था, और 2023 के भी जो हाल के विधानसभा चुनाव हुए हैं उस वक्त भी ये प्रत्याशी रही हैं। हालांकि तीनों बार उनकी हार हुई है, 2008 में वो जरूर जीती हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने खजुराहो से बीडी शर्मा के मुकाबले मीरा दीप नारायण यादव को टिकट दे दिया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की नजर में ये टक्कर दे सकती हैं बीडी शर्मा को, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को, इसलिए हाथ से इनका टिकट बदला गया है। और एक डील एक तरीके से हुई है आकांक्षा, जो जिनको पहले टिकट दिया गया था डॉक्टर मनोज यादव को, अब पार्टी ने उनको समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए।